में गणेश उत्सव उत्साह और प्रचुरता का त्योहार है और नागपुर में इस त्योहार की रौनक खुशी देखते ही बनती है। हर साल की तरह इस उत्सव में श्री संती गणेश उत्सव और सांस्कृतिक मंडल हर्षोल्लास के साथ शामिल हुआ है। हर साल की तरह इस वर्ष भी श्री संती गणेश उत्सव और सांस्कृतिक मंडल द्वारा बांके बिहारी मंदिर वृंदावन की प्रतिकृति आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, जिसका जायजा लिया है हमारी टीम ने। आइए डालते हैं एक नजर। इस गणेशोत्सव की शुरुआत मंडल के बुजुर्गों ने वर्ष 1958 में की थी और सामाजिक प्रतिबद्धता की नींव रखी और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए बोर्ड के सभी पुरुष और महिला कार्यकर्ता इस परंपरा को बड़े ही उत्साह के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। गणेशोत्सव के अलावा भी विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और सार्वजनिक कार्यक्रम भी मंडल द्वारा दिन प्रतिदिन आयोजित किए जाते हैं। गणेशोत्सव में मुख्य रूप से विभिन्न विषयों, संकल्पना, प्रस्तुतिकरण व संस्कृति का जतन, पौराणिक कथाएं, देशभक्ति दृश्य और देश में विशेष रूप से महाराष्ट्र में विश्व प्रसिद्ध संतों और देवी देवताओं के मंदिर की प्रतिकृतियां बनाने में मंडल अग्रणी है। इस वर्ष बांके बिहारी मंदिर वृंदावन उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध मंदिर की सटीक प्रतिकृति श्री संती गणेशोत्सव और सांस्कृतिक मंडल द्वारा साकारी गई थी और इसके तहत कल दहीहांडी कार्यक्रम का भी आयोजन श्री संती गणेशोत्सव और सांस्कृतिक मंडल द्वारा किया गया था, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाप्पा के दर्शनार्थ दिखाई दिए। मुलांची सुरुवात कळीपासून होते, जीवनाची सुरुवात प्रेमापासून होते आणि प्रेमाची सुरुवात ही आपल्यापासून होते आणि कुठल्याही कामाची सुरुवात ही गणेशाच्या दर्शनाने होते। आज आपण अशाच गणेशोत्सवानिमित्त आज आलेलो आहे प्रसिद्ध अशा शहरातील, नागपूर शहरातील संती गणेश मंडळामध्ये। आणि आपण आपल्याला माहिती आहे की संती गणेश हे प्रसिद्ध असं गणेश मंडळ आहे आणि नेहमीच विविध अशा प्रतिकृती इथे साकारल्या जातात। यावेळेस बांके बिहारी यांची प्रतिकृती इथे साकारल्या गेलेली आहे आणि गणपती ची इथे मूर्तीची स्थापना केली गेली आहे। चला तर आतमध्ये जाऊया आणि बघूया यावेळेस संती गणेशामध्ये काय असं विशेष आहे। चला तर आपण पोहोचलेलो आहे संती गणेश पेंडॉल मध्ये। आपण बघतोय माझ्या मागे सुंदर अशी गणपतीची मूर्ती आहे आणि त्याच मागे सुंदर असं वृंदावन येथील बांके बिहारी यांची इथे जे आहे देखावा केलेला आहे आणि दहीहंडीचा कार्यक्रम देखील इथे आज सुरू आहे। आपण बघू शकता की आकर्षक अशी सुंदर मूर्ती आहे। इथे आपण बघू शकता आहे की एका हातात त्रिशूळ घेतलेली ही मूर्ती आहे। सुंदर असं बाप्पांचं रूप आपल्याला बघायला मिळतं आणि सोबतच इथे जे आहेत मोठ्या प्रमाणावर भक्त श्रद्धाळू इथे बघायला मिळत आहेत। आपल्या सोबत काही आहेत, काय सांगाल? दर्शनाला आली तर मला फारच आनंद होत आहे। असा नागपूर जिल्ह्यात असा आनंद कुठेही मिळत नाही जेवढा आपल्या नागपूर शहरात मिळतो।
नागपूर हे आनंदाचेच आहे आणि नागपूर म्हणजे एक हृदयच आहे गणेशाचं. जय गणेश, श्री गणेश, गणपती बाप्पा मोरया, गणपती बाप्पा मोरया, गणपती बाप्पा मोरया. शांती गणेश उत्सव मंडळ. हॅलो, मी गणपती उत्सव बघायला आली आहे. गणपती खूपच सुंदर आहे, ते वात्री अप्रतिम आहे, ते पाहून मला खूप आनंद होत आहे. श्री संती गणेशोत्सव मंडल के संयोजक संजय जी चिंचोले हमारे साथ है. उनसे हम जानेंगे कि इस साल ऐसा क्या विशेष है संती गणेश मंडल के द्वारा किया गया है, क्योंकि हर साल जो है संती गणेश मंडल द्वारा नए नए झांकियां यहां प्रस्तुत की जाती है. पिछले दो साल के कोरोना काल में जो है बड़े पैमाने पर गणपति उत्सव गणेशोत्सव नहीं हो पाया था. इस साल क्या खास लाया है संती गणेशोत्सव शहरवासियों के लिए? नमस्कार, मैं संजय चिंचोले इस मंडल का संयोजक हूँ. हमने इस 2022 के गणपति उत्सव में पूरे देश में जो प्रसिद्ध मंदिर है वृंदावन में बांके बिहारी जी का उत्तर प्रदेश में, वो बांके बिहारी जी के मंदिर की साक्षात प्रतिकृति हमने यहाँ पे साकार करने का प्रयास किया है. जैसे वहाँ का जो मेन द्वार है, ये हमने मेन द्वार यहाँ पे साकार किया. उसके बाद में 5,000 फीट में ये मंदिर साकार करने का हमने प्रयास किया. आपने देखा होगा कि 11 फीट के विलक्षण जो गणपति बाप्पा की मूर्ति है वो हमने स्थापित की, और उसके पीछे में जो साक्षात मंदिर है बांके बिहारी जी का, उनकी मूर्ति पीछे में स्थापित की. उतना ही नहीं बल्कि जो 11 लीलाएं है भगवान की, भगवान बांके बिहारी की, वो लीला को प्रस्तुत करने का हमने यहाँ पे काम किया. वैसा ही प्रसाद वहाँ की, वैसी आरती, वहाँ का जो सत्संग है, वहाँ का जो माहौल है, वहाँ का जो एटमोसफियर है, हमने नागपुर में साकार करने का प्रयास किया. और साक्षात वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर हमने यहाँ पे साकार किया. 1.5 महीना यहाँ पे काम चला. नागपुर, मुंबई, पुणे, कलकत्ता और इंदौर के लोग, अच्छा 50-60 कारागिरों ने ये मंदिर हमने यहाँ पे साकार किया. आप देख रहे हैं इतनी बड़ी गर्दी, इतनी बड़ी भीड़ नागपुर वासियों की यहाँ पे है. और जैसे वहाँ पे रोज सत्संग होता है, हरिपाठ होता है, भगवान की आरती होती है, भगवान का भोग होता है, भगवान की पूजा अर्चना होती है. और जैसे आप देख रहे हैं अंदर में जल्लोष हो रहा है, दही हंडी हो रही है, फूलों की होली हो रही है. पूरा साक्षात वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर का साक्षात रूपांतर, साक्षात्तर मतलब रेप्लिका जो है, प्रतिकृति है, तो ऐसे की वैसी प्रतिकृति हमने नागपुर में साकार करने का प्रयास किया है. और किस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन 10 दिनों के भीतर किया गया है, और साथ ही भक्तों के लिए किस तरह से आपने सुविधा की है? देखो यहाँ पे चित्रकला स्पर्धा है, दही हंडी स्पर्धा है, वेशभूषा स्पर्धा है, सारी पारंपरिक है. उसके बावजूद यहाँ पे हमने कोरोना, सबको मालूम है कोरोना तो 2 साल तक काफी लोग अफेक्ट हुए, लेकिन इस साल हमने कोरोना को प्रिकॉशन लेने के लिए बूस्टर डोज का भी यहाँ पे आयोजन किया है. सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक बूस्टर डोज का यहाँ पे व्यवस्था है. और इसी प्रकार से जितने भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं वो सारे हमारे मेहमान है. उसमें अमीर रहे, गरीब रहे, सबकी एक सरी की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं. सबकी चप्पल उठाने की व्यवस्था, सबको प्रसाद व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, आरती व्यवस्था, स्वागत व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं हमने की है. और आपके माध्यम से सभी नागपुर वासियों को मैं आह्वान करता हूँ, विनती करता हूँ कि आप सभी लोग यहाँ पे आए और साक्षात बांके बिहारी के दर्शन नागपुर में करें. मैं आप सभी के स्वागत के लिए यहाँ पे हम लोग इगर है, आपका स्वागत करने के लिए हम यहाँ पे तैयार है. धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच. गणपति बाप्पा मोरया. कि हमेशा की तरह ही संती गणेशोत्सव मंडल द्वारा इस बार भी कुछ नया, कुछ अनोखा किया गया है, और बांके बिहारी के दर्शन नागपुर वासियों को नागपुर में किए जा रहे हैं, वो भी संती गणेशोत्सव मंडल की ओर से. कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN News नागपुर.